अपने पूरे परिवार के लिए नई गाड़ी लेना एक बड़ा डिसीजन होता है जिसमें कि काफ़ी सोच विचार लगता है, स्पेशली वेन वो गाड़ी 6-7 लोगों की बड़ी फैमिली के लिए ली जा रही हो। ऐसे में मार्केट में वन ऑफ द न्यूएस्ट ऑप्शन इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट वंस एज वेल, मीट द टोयोटा रूमियन, मारुति अर्टिगा का रीबैच्ड अवतार। अब एक फैमिली कार के लिए लुक्स जो पूरे परिवार को पसंद आए, कंफर्ट, स्पेस, फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं, तो क्या टोयोटा रूमियन उन चीज़ों पर डिलीवर कर पाती है या क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी फैमिली के लिए सही नहीं रहेगा? चलिए पता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। रूमियन के साथ आपको एक छोटी रेक्टेंगुलर शेप की मिल जाती है जो आपके पॉकेट में आराम से फिट हो जाएगी। इट हैज़ अ सिंपल डिज़ाइन विद 2 लॉक अनलॉक बटन। इसके अलावा आपको दोनों ही ड्राइवर एंड पैसेंजर दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं एंड आप गाड़ी को कनेक्टेड कार टेक यानी अपने फ़ोन के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं। अर्टिगा पे बेस्ड होने के बावजूद भी टोयोटा ने रूमियन को अपनी खुद की आइडेंटिटी दी है। ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि ये नया फ्रंट, इसका ग्रिल बड़ा है, इसका बम्पर भी रीडिज़ाइन किया गया है और इसके क्रोम एलिमेंट्स इसके डिज़ाइन में एक प्रीमियम टच ज़रूर ऐड करते हैं। साइड से रूमियन की MPV लाइक स्टाइलिंग उभर के आती है। डिज़ाइन एकदम अर्टिगा जैसा ही है, बस नए अलॉय व्हील्स को छोड़ के जो मुझे पर्सनली पसंद आए, बट पीछे से इसकी बैजिंग और क्रोम स्ट्रिप के अलावा इसका डिज़ाइन एकदम ही अर्टिगा जैसा है, विद द सेम एल शेप टेल लाइट्स एंड इवन द सेम बम्पर। अगर यहाँ भी टोयोटा कुछ नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स डाल देता तो अच्छा रहता। तो डिज़ाइन सिंपल है, अर्टिगा से थोड़ा सा हटकर है, कोई भी अनकन्वेंशनल एलिमेंट नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पे, बट तब भी इसकी स्टाइलिंग ब्लैंड नहीं लगती एंड मोस्ट लोगों को रूमियन का डिज़ाइन पसंद आना चाहिए। विद द थर्ड रो अप रूमियन के बूट में 2 सूटकेसेस, एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज रखने के बावजूद भी 1-2 लैपटॉप बैग रखने की जगह मिल जाती है जो कि बहुत इंप्रेसिव है। बट आप थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हैं और इसके फ्लैट बेड पे ढेर सारा सामान स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और स्पेस चाहिए या फिर कुछ लंबा सामान लेके जाना है तो इसकी सेकेंड रो भी 60-40 स्प्लिट हो जाती है। यहाँ फॉल्स फ्लोर भी मिलता है तो बड़े सूटकेसेस को आप खड़ा कर सकते हैं और लैपटॉप बैग्स भी इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। जस्ट लाइक इट्स एक्सटीरियर, रूमियन के इंटीरियर लेआउट भी सिंपल है। इसके थीम में मल्टीपल कलर्स का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इसका डिज़ाइन बोरिंग नहीं लगता। अब सबसे ज़्यादा यूज़ आपको बेज कलर का मिलेगा जो कि इसके कैबिन को एक एरी फील देता है, और साथ ही इसके डैशबोर्ड के मिडिल पैनल पे ये मेटालिक बूट फिनिश उसमें एक प्रीमियम टच ऐड कर देता है। ये सेम बूट फिनिश आपको इसके स्टीयरिंग पे भी मिलेगी जिसको एक लेदर रैप मिलता है। आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट और डोर आर्मरेस्ट पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। सीट्स की बात करें तो इनकी कुशनिंग अच्छी है, इनका सपोर्ट अच्छा है, यानी दोनों ही लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज में कंफर्टेबल फील होती हैं। स्टीयरिंग को टेलीस्कोप पे एडजस्ट ना मिलने के बावजूद आइडियल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना आसान है थैंक्स टू अ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो रूमियन की फर्स्ट रो का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा है, और वो अच्छा एक्सपीरियंस इसकी सेकेंड रो में भी बरकरार रहता है। 2 लोग के लिए यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं है और ना ही कन्वीनियंस की। हाँ, 3 लोग भी यहाँ बिठाए जा सकते हैं, बट मिडिल पैसेंजर को कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता जिस वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आपको रिक्लाइन और स्लाइड दोनों का ही ऑप्शन मिलता है, तो अगर पीछे वाली सीट खाली हो, वहाँ पे कोई ना बैठा हो, तो आप इन सीट को पीछे करके रिक्लाइन करके यहाँ पे फुल आराम से लाउंज कर सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए रूफ माउंटेड AC है विद डेडिकेटेड फैन स्पीड कंट्रोल, एक सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, स्टोरेज की भी कमी नहीं है, एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मौजूद है। तो अगर आप रूमियन को एज अ शॉफर ड्रिवन कार यूज़ करने का सोच रहे थे तो इसकी सेकेंड रो आपको ज़्यादा शिकायत का मौका नहीं देगी। बस हाँ, अगर इसके आर्मरेस्ट में कप होल्डर और मिल जाता तो वहाँ पर आप अपनी कॉफ़ी भी रख पाते। रूमियन की थर्ड रो में घुसने में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि इसकी सीट पूरी फोल्ड नहीं होती, मगर इन सीट पे बैठ के कंफर्टेबल होना आसान है। हाँ, आप नीज़ अप पोजीशन में बैठते हैं तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम महसूस होता है एंड फुल साइज एडल्ट्स के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होंगी, बट ये सीट सेकेंड रो से ऊपर है तो आपको बाहर का व्यू अच्छा मिलता है। थैंकफुली आप आगे की सीट का रिक्लाइन तो यहीं से सेट कर सकते हैं, बट सीट को स्लाइड करने के लिए आपको सेकेंड रो पैसेंजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आपको थोड़ी और जगह मिल जाए। अब चाहे यहाँ पे जगह बेस्ट ना हो, कन्वीनियंस की कोई कमी नहीं क्योंकि दोनों ही पैसेंजर्स को डेडिकेटेड कप होल्डर मिल जाता है और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मौजूद है। एक फैमिली MPV होने का दावा, पर गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या वो एक फैमिली MPV हुई भी?
थैंकफुली इस सवाल का जवाब रोमियोन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी नहीं है। चारों दरवाजों में 1 लीटर बॉटल के साथ एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप डस्टिंग का कपड़ा या अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सेंटर कंसोल में 2 कूल्ड कप होल्डर्स हैं, जो कि मेटालिक बॉटल्स या सॉफ्ट ड्रिंक कैन के साथ अच्छा काम करते हैं। उसके आगे एक ट्रे है, जहाँ आप अपना फ़ोन या वॉलेट या की जैसा सामान रख सकते हैं। स्टीयरिंग के बगल में नीचे की तरफ एक स्टोरेज स्पेस है, जहाँ आप स्पेयर चेंज या रिसीव रख सकते हैं। सेंट्रल आर्मरेज के नीचे भी एक छोटी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स का साइज अच्छा है एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स को सीट बैक पॉकेट्स मिलती हैं। सेंट्रल टनल में फोन रखने के लिए भी एक स्पेस मौजूद है, बट सेंट्रल आर्मरेस्ट में सैडली कोई कप होल्डर नहीं है। थर्ड रो पैसेंजर्स को डेडिकेटेड कप होल्डर्स मिल जाते हैं और एक 12 वोल्ट सॉकेट फॉर चार्जिंग, जो कि तीनों रोज में अवेलेबल है। एडिशनली फर्स्ट रो में एक USB सॉकेट भी मिलता है। फीचर्स के मामले में टोयोटा रोमियो कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं कर रही है, बट तब भी इसकी फीचर्स लिस्ट आपकी पूरी फैमिली को खुश रखने के लिए मोर देन इनफ है। टॉप हाइलाइट्स इंक्लूड अ 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, ऑटो ORVM, 6-speaker साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, एंड हियर्स अ फुल लिस्ट ऑफ फीचर्स पॉपिंग अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। स्क्रीन का साइज छोटा होने के बावजूद इसको यूज करने का एक्सपीरियंस अच्छा है। ये बहुत फास्ट तो नहीं है, पर आपको परेशान नहीं करेगा। इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस है, उसको एक्सेस करना भी आसान है। अब हो सकता है कुछ लोगों का एनालॉग एंड MID कलर ड्राइवर डिस्प्ले थोड़ा पुराना लगे, बट मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है, स्पेशली विद द ब्लू इंसर्ट्स अराउंड द डायल। और तो और इसका डिस्प्ले छोटा होने के बावजूद भी ढेर सारी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन रिले करता है। वैसे तो रोमियोन में ओवरऑल कोई भी बड़ा फीचर मिस नहीं है, बट तब भी टोयोटा यहाँ पे ऑटो ORVM या वायरलेस फोन चार्जर ऐड कर सकता था, जो कि इसके फीचर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर देता। पैसेंजर सेफ्टी के लिए रोमियोन में 2 एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स, हिल होल्ड असिस्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, बट आपको पीछे की सीट बेल्ट हमेशा ही बकल अप करके रखनी पड़ेंगी, इवन व्हेन वहाँ पे कोई ना बैठा हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको करीब 60 सेकेंड तक ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। टॉप स्पेक वेरियंट्स में 6 एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लैंप्स एंड रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अब भारत एनकैप ने इस गाड़ी को अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया, बट ग्लोबल एनकैप ने इसके मारुति अवतार मतलब अर्टिगा को 2019 में 3-star रेटिंग दी थी। टोयोटा रोमियोन के साथ सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक 5-speed मैनुअल या 6-speed ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। हमारे साथ आज टेस्ट पे इसका 6-speed ऑटोमेटिक वर्जन है। एनविच लेवल्स की बात करें तो इसका इंजन काफी रिफाइंड है, नॉइज एंड वाइब्रेशन मिनिमल है एंड आपको कभी भी कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फुल थ्रॉटल या हार्ड एक्सेलरेशन के वक्त भी इंजन की आवाज़ डिस्टर्बिंग फील नहीं होती, बल्कि थोड़ी स्पोर्टी ही महसूस होती है। अब इसको सिटी में चलाने की बात करें तो इस इंजन से, इस गेयरबॉक्स से कोई कंप्लेन नहीं है। इसका इंजन रिस्पॉन्सिव है, इसको लो RPM से स्पीड पिक करने में टाइम नहीं लगता और इसके गेयरबॉक्स की ट्यूनिंग भी स्मूथ है, जर्क फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट। अब इसका एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट वो स्मूथ है, लीनियर है, इसको हाईवे स्पीड पिक करने में टाइम नहीं लगता, आराम से मेंटेन भी कर लेती है एंड ओवरटेक्स भी हो जाते हैं इफ़ यू आर इन द राइट गियर। बट अगर आप लो RPM पे और आप एक क्विक ओवरटेक मांगें तो इसका गियरबॉक्स गियर डाउन करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है। ऐसे में आप पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करके थोड़ा क्विकली गियर डाउन कर सकते हैं, बट इसका सिस्टम इज ट्यून्ड फॉर एफिशिएंसी, तो इसे जैसे ही मौका मिलता है ये फटाक से अपशिफ्ट करके ऑटोमेटिक मोड में वापस चले जाता है। दीज पैडल शिफ्टर्स आर ओके फॉर ओकेजनल या हिल स्टेशन ड्राइविंग, बट अगर आपको एक प्रॉपर मैनुअल मोड चाहिए और आप चाहते हैं कि ये गियर को होल्ड करके रखे, तो आप गियर लीवर को एम पे शिफ्ट कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इस गाड़ी ने हमें सिटी में अराउंड 11 किलोमीटर पर लीटर दिया एंड हाईवे पर अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर, बट हाँ ये फिगर गाड़ी के अंदर लोड के साथ काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो सकती है, तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है एंड आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर करती है तो आप इसका CNG वर्जन चूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, उस CNG वर्जन के साथ आपको ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस नहीं मिलेगी और थोड़ी सी बूट स्पेस भी त्यागनी पड़ेगी। सिटी में टोयोटा रोमियोन की राइड क्वालिटी शानदार है, इट इज जेन्युइनली इंप्रेसिव इन द वे इसका सस्पेंशन सिटी के सारे गड्ढे, सारे स्पीड ब्रेकर्स को सोक कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे आप गाड़ी अकेले चला रहे हो या विद अ फुल लोड। कच्ची सड़क पे भी कंफर्ट अच्छा है, मूवमेंट कंट्रोल रहता है अगर आपकी स्पीड भी कंट्रोल्ड हो तो, बट अगर गाड़ी के अंदर लोड ज़्यादा हो और आप किसी स्पीड ब्रेकर या शार्प बम के ऊपर से थोड़ी ज़्यादा स्पीड कैरी कर लें तब इसका सस्पेंशन ज़्यादा कंप्रेस कर जाता है, एज अ रिजल्ट इट रन्स आउट ऑफ ट्रैवल एंड आपको एक तेज थट की आवाज़ भी सुनाई देगी।
तो फुल लोड के वक्त कच्ची सड़कों पे या खराब रास्तों पे आपको अपनी स्पीड चेक में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हाईवे पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाई स्पीड पे भी ये स्टेबल फील करती है एंड फ्लाईओवर गैप्स या अंडुलेशन के ऊपर से भी आपको कोई कंप्लेंट का मौका नहीं देगी। बस थर्ड रो पैसेंजर्स को थोड़ा वर्टिकल मूवमेंट महसूस होगा, बट वो भी एक्सेप्टेबल है। हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी टोयोटा रूमियन स्टेबल फील होती है, सेफ फील होती है एट रीजनेबल स्पीड। तो एज अ फैमिली कम्यूटर जिसे आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए यूज़ करने वाले हैं, टोयोटा रूमियन को चलाने का एंड उसमें सफ़र करने का एक्सपीरियंस अच्छा है, स्पेशली वैन आप इस गाड़ी को एक MPV की तरह ही ट्रीट करें। चलिए इसके वर्डिक्ट पे चलने से पहले इसकी कुछ डे टू डे चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। रूमियन के साथ आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जो कि आप 5 साल या 2.2 लाख किलोमीटर तक के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं फॉर एन एडिशनल कॉस्ट। टोयोटा रूमियन के साथ आपको 2 सर्विसेज फ्री ऑफ एनी लेबर चार्ज देता है, बट हाँ दूसरी सर्विस में आपको मोटर ऑयल जैसी चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। टोयोटा रूमियन का स्पेयर टायर आपको उसके बूट के नीचे नहीं बल्कि रियर बम्पर के नीचे मिलता है, बट हाँ इसकी स्टेपनी और टूल्स आपको बूट फ्लोर के नीचे मिल जाएंगी और टायर को लूज करने के लिए आपको बूट फ्लोर पर दिया गया बस ये बोल्ट लूज करना होगा। जब गाड़ी में 1 से 4 लोग बैठे हों, थोड़ा सा लगेज हो, तो रूमियन का रिकमेंडेड टायर प्रेशर 29 PSI फॉर ऑल 4 टायर्स, बट गाड़ी में अगर फुल लोड हो तो आगे के टायर्स का प्रेशर 32 एंड पीछे का रिकमेंडेड प्रेशर 38 PSI। आप ये इन्फॉर्मेशन खुद चेक कर सकते हैं ड्राइवर साइड डोर पर दिए गए स्टिकर के थ्रू। तो वो फैमिली गाड़ी के नॉन नेगोशिएबल्स क्या थे? न्यूट्रल लुक्स, स्पेस, कम्फर्ट, फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी, ना उन सभी चीज़ों पर डिलीवर करती है टोयोटा की रूमियन। हाँ इसकी स्टाइलिंग सोबर ज़रूर है बट बोरिंग नहीं है। कैबिन के अंदर स्पेस की कमी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भरपूर है, बेसिक फीचर्स तो हैं बट कुछ प्रीमियम फीचर्स भी है जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, और तो और इसकी राइड क्वालिटी और कम्फर्ट तो बेहतरीन है ही। अब आप बोलेंगे कि मैं थोड़े से पैसे बचा के एक मारुति अर्टिगा ही क्यों ना ले लूं? और आपका सवाल गलत नहीं होगा क्योंकि आखिर ये दोनों गाड़ियाँ हैं तो सेम ही, बट अर्टिगा के साथ आपको टोयोटा ब्रांड से जुड़ी खूबियां जैसे कि एक बेहतर ब्रांड इमेज और वारंटी पैकेज नहीं मिलेगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपको अर्टिगा की स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद है, टोयोटा रूमियन आपको एक बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती है। आपके इस गाड़ी को लेकर कुछ सवाल होंगे तो वो कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिए एंड हम आपके सवालों का जवाब लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।